सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, इस टाइप की सोशल मीडिया वाली वीडियो अभी के टाइम में इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने देखा ही होगा कि इस टाइप की जो वीडियो है अभी के टाइम में इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाली हूँ, वो भी अपने फ़ोटोज़ के साथ। तो गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच कर लेना है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, नोज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है ना इंस्टाग्राम पोस्ट। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी गैलरी में जाना है। देन यहाँ से आपको अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, बट आप जो फोटो सेलेक्ट करोगे वो बैठा हुआ होना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको सही से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लेना है। प्रोफाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आपको सही से आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ओके कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, इसके वाटर मार्क को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नॉइज एप्लीकेशन की वाटर मार्क पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉश एड पे क्लिक करके इसके एड को वॉश कर लेना है। वाटर मार्क रिमूव होने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको सेव कर लेना है मैक पे क्लिक करके। देन यहाँ से आपको बैक होके अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे चले जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने सेव किया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है और इसकी ड्यूरेशन को आपको क्या करना है, 15 सेकेंड कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसके वाटरमार्क को आपको डिलीट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओरिजिनल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉन्ग को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको म्यूजिक के ऑप्शन पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको माई म्यूजिक पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सॉन्ग वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। म्यूजिक ऐड होने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैनुअल पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको बैक होके अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे चले जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिक्योर VPN से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको बैक होके अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे चले जाना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है हेलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज टेम्पलेट इन कैपकट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने एक्सपोर्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है।
देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, इस पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।